ये संकट है हमारे स्कूलों के लिए, खासकर ऐसे स्कूल जो जहाँ पे प्राइवेट स्कूल से उनका कंपटीशन है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारे टीचर्स को बच्चों को रोक पाने में। तो ये मोरी के पास ही स्कूल है, देही गांव है, और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जाते हुए दिखाई दिए हैं सामने के प्राइवेट स्कूल्स में। लेकिन हमारे पास बच्चों की कमी है, तो प्रयास करने होंगे। अभी जो नई भर्ती के लोग हमारे पास आएंगे, ऐसे लोगों को हम भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि वो नए युवा शिक्षक आके और यहाँ पे अच्छा काम करें और वापस इन स्कूलों को पुनर्जीवित करें, इनकी स्ट्रेंथ बढ़े, अच्छा काम हो। आजकल तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी कुछ प्रयास हमारी सरकार भी कर रही है, हम भी करेंगे। तो अभी हम बच्चों की इंतज़ार ही कर रहे हैं कि प्रेयर के लिए आए बच्चे, और वहीं सामने के प्राइवेट स्कूल में प्रेयर का टाइम है। लेकिन मुझे बताया गया है 8 बच्चे हैं यहाँ, जो अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया, और यहीं से काफ़ी बच्चे जो है पार चले जाते हैं। एक भरे हुए प्रांगण की आप प्राइवेट स्कूल की असेंबली देख सकते हैं, और इधर हमारा खाली स्कूल भी देख सकते हैं। तो मेहनत की ज़रूरत है। तो यंग जो टीचर अभी आएंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। वो ये सोच के ना आए कि खाली सरकारी नौकरी मिल गई और करनी है। मोन्यूमेंटल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड नाउ इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड इवन योर जॉब, क्योंकि आने वाले टाइम में यू आर लक्की, आपके लिए वैकेंसी है। ये स्कूल अभी चल रहा है, 8 बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन ये स्कूल बंद हो जाएगा तो 2 वैकेंसी यहाँ से कम हो जाएंगी। तो ऐसे ही फिर साल दर साल ऐसा होता रहेगा। लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं, देखो इवन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन खुद ही बेचारे अपना स्कूल साफ कर लेते हैं। मेहनत भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास फर्नीचर भी है, स्कूल भी वेल मेंटेन्ड है, लेकिन बच्चे नहीं हैं जिनको लाना चुनौती होगी। तो बच्चे आएंगे जी, बढ़ेंगे, क्या बोलते हो, प्रयास होगा। अभी हमें एक नया टीचर दे देंगे आपको, नई भर्ती वाला देंगे कोई, तो मिलजुल के ज़रा अच्छा चलाओ बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं बाहर दूर, तो पेरेंट्स के साथ थोड़ा मीटिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि भाई हम आपको जो प्राइवेट स्कूल वाला दे रहा वही चीज़ें हम भी देंगे, उससे ज़्यादा अच्छा देंगे, आओ यहाँ पे।